नमस्कार दोस्तों, ऋतु किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की नान बनाएंगे। ये 2 कप मैदा है जिसे हमने आधा घंटा पहले गूंद लिया था। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड डाला हुआ है, आधा चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, सोडा, बेकिंग पाउडर और दही से हमने इसको गूंद लिया है। ये तिल है आधा चम्मच, ये आलू है 3 उबले हुए, ये देसी घी है, ये गरम मसाला है, ये लाल मिर्चे पाउडर है, ये 3 हरी मिर्चें हैं, ये कद्दूकस किया हुआ अदरक है, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये हरा धनिया है, ये नमक है स्वाद अनुसार, ये पानी है। इसकी हम लोई बनाएंगे। अब इसकी लोई रोटी से थोड़ी बड़ी बनती है। उबले हुए आलू हैं जिन्हें हम मैश कर लेंगे। ये अदरक है कुटी हुई, इसमें डालेंगे। ये हरी मिर्चें, ये लाल मिर्चें, ये गरम मसाला, ये नमक स्वाद अनुसार, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको आपस में मिलाएंगे हम। आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया है, इसकी हम बॉल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हल्का सा घी लगाएंगे इसमें। इस तरीके से बाउल को इसमें रखेंगे। नान लंबी बनती है इसीलिए इसे हम थोड़ा लंबाई में बनाएंगे। थोड़े से तिल डालेंगे इसमें। हरा धनिया, इसे हम उल्टा कर देंगे। पानी लगाएंगे इसमें। इस तरीके से तवे में डाल देंगे। ये दूसरी नान बना रहे हैं हम। इसमें बाउल रखेंगे। इसमें तेल लगाएंगे। देखिए नान के ऊपर डॉट आने लगे हैं, इसे हम इस तरीके से सेकेंगे।
चारों तरफ से सेकेंगे इसको। नान को निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए पीछे से भी पक चुकी है ये, और इस प्लेट पे रखेंगे इसको। इससे पलटेंगे अब। इसमें पानी लगाएंगे पीछे की तरफ। इसमें हम देसी घी लगाएंगे, मक्खन भी लगा सकते हैं आप। इसे दाल मखनी, शाही पनीर किसी के संग भी खा सकते हैं। देखिए अब हम इसे इस तरीके से सेकेंगे। देखिए नान हमारी सिक चुकी है चारों तरफ से। इसे निकालेंगे हम। इसमें देसी घी लगाएंगे, मक्खन भी लगा सकते हैं। नान हमारी बनके तैयार है। देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।